ये रिश्ता कहलाता है नहीं, अब जब अभी को सताने वाला है ये डर कि सच पता लगने के बाद कहीं अभिनव उनसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, तब यही दिल की बात को अभिनव के सामने रखते नजर आने वाले हैं और उनसे एक बड़ा प्रॉमिस भी लेते हुए नजर आने वाले हैं कि अभिनव उन्हें छोड़कर कभी भी और कहीं भी ना जाए और यही बात पूरे माहौल को कर देगी इमोशनल। वही दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं फैंस की अभिमन्यु तो नहीं जा रहे हैं कि किसी भी तरह से कोर्ट केस हो, लेकिन मंजरी माँ अपने इस फैसले पर इस तरह से अटल है, वो इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि इस समय खुदगर्ज हो गई है, इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के बारे में सोच रही है। अभिमन्यु का अभी के साथ रहना जरूरी है, इस बार की जिद पकड़ी हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी फैंस, क्योंकि अभीर के सामने अब ये डिसीजन आने वाला है कि वो किसको चुने, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, ये फैसला वो परिवार के सामने सुनाए। तो आखिरकार वो क्या फैसला सुनाएंगी, वो अभिमन्यु के साथ भी रहना चाहेंगी और अभिनव अक्षरा के साथ भी, लेकिन क्या अब ये डिसीजन ये सच सामने आने के बाद ही ले पाएंगे कि अभिमन्यु है उनके रियल फादर। जाने के लिए साबस के शो ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, लगातार देखते रहिए, स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देन बाय एवरीवन।